सत्य कह रही हूं या झूठ कह रही हूं, यही तेरे मन के भाव उठे दे। चेक कर नगर कोटवाली का उतरी नाभि के नीचे दर्द होता है, टांगों में अकड़न आती है, साइड की नसें बढ़ती है, सर भारी भारी हो जाता है और काम करने का कोई मन भी नहीं करता और स्वभाव भी चिड़चिड़ा रहता है। सत्य कह रही हूं तो पुत्री बता दे, नहीं तो बोल दे दिल्ली वाली झूठ बोल रही है। पुत्री घर में देख कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, घर में संकट चले हुए ज्यादा और पिछले काफी समय से चले आ रहे हैं और बतेरे भक्तों पे इलाज भी करवा लिए, ठीक है। और बेटा तेरी मम्मी है ये जो इस पे चल रही है शमशान की काली घर में, ठीक है बेटा। बेचैनी और घबराहट बनती है, शरीर टूटने लगता है दिन ढलने के बाद और सर भारी होने लग जाएगा और एक प्रेत भी है, कमर में ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है और पेट में चुभन भी होगी। बोलो मेरे साथे पुत्री, बिना गुरु के मंत्र गलती बहुत कम टाइम के लिए गया था, बहुत पहले किया था, कर रहे थे ना, बुला तो लिया लेकिन उनका कुछ करा फिर क्यों? चल मैं तेरे को एक और बात बता देती हूँ, चल तो मैं भी रही हूँ तेरे, ठीक है, और मैंने ही तेरे को यहाँ खींचा है और रास्ता देने के लिए खींचा है। तेरे घर वालों की कोई भी काम नहीं बनता, तेरे पति का एक काम नहीं बनता, आज जहाँ होती है टेबल पे बैठे हुए बंदे पैसे बना कर जाते हैं कि नहीं करना ये सौदा, ऐसे ऐसे काम टूट जाते हैं और उस बेचारे का भी दिल टूट जाता है, झूठ बोली तो बोल दे, फिर आके उसका गुस्सा उतरता है खाने को लेके, कभी कैसे तो कभी कैसे। सत्य कह रही हूँ पुत्री, झूठ बोली तो नहीं तो बोल दे, दिल्ली वाली झूठ बोल दे। जय करी नगर कोटवाली का, एक तो बेटा नगर कोटवाली तुम्हारे यहाँ चल रही है।